हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव। यह है एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले समझ लेते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देखिए, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और हमें बताई गई है कि जो इसके डायगनल्स हैं ए सी, ठीक है, और बी डी, वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हमसे बोला गया है कि प्रूव करो कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी। मतलब हमें ए ओ डी इस वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर प्रूव करना है बी ओ सी इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जो ये वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ए बी सी आर ऑन द सेम बेस ए बी। ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस ए बी पे बने हैं। ठीक है, ए बी जो है वो ए बी डी में भी आ रहा है और ए बी जो है वो ए बी सी में भी आ रहा है। मतलब ए बी इन दोनों का कॉमन बेस है या सेम बेस है। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेम पैरेलल लाइन कौन सी हैं जिनके बीच में दोनों ट्रायंगल बने हैं, ए बी और डी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे हैं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए बी सी के। ठीक है, ए बी सी के। रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन में आप लिखोगे कि जो ट्रायंगल अगर दो सेम बेस पे हैं, ठीक है, और वही दोनों ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ऑन द सेम बेस या इक्वल बेस, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ गया। आप ध्यान से देखना, आप ए बी डी ये जो ट्रायंगल है इसमें से अगर मैं ये एरिया हटा दूं, ठीक है, ए बी डी में से ए ओ बी ये एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, ए ओ डी, जो हमें प्रूफ करना था, ए ओ डी। इसी तरह से अगर मैं ए बी सी में से फिर से यही सेम एरिया माइनस कर दूं जिसको मैंने शेडिड किया है तो फिर से हमें बी ओ सी मिल जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये इक्वेशन वन है तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट एरिया ए ओ बी फ्रॉम दी बोथ साइड, फ्रॉम दी बोथ साइड इन इक्वेशन वन में से आप दोनों तरफ से ए ओ बी के एरिया को माइनस कर दो। तो यहां पे लेफ्ट में क्या है, हमारे पास है एरिया ए बी डी, ठीक है, इसमें से ए ओ बी आप माइनस करो, एरिया ए ओ बी, ठीक है, फिर आया इक्वल टू तो इक्वल टू लिखो, फिर आया एरिया ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, इसमें से फिर से ए ओ बी को माइनस कर दो, एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, जब यहाँ से ए बी डी में से ए ओ बी माइनस किया था अभी हमने तो क्या मिला था हमें, ए ओ डी, तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया ए ओ डी। इसी तरह से जब ए बी सी में से ए ओ बी को माइनस करोगे तो बी ओ सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एरिया बी ओ सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप आने वाले टाइम में इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।